देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे रीवा जिले के सपूत ने, दीपक जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। चीन के घुसपैठ के इरादे को नापाक करते हुए जूझ कर, और ऐसा नहीं है मारकर, चीन के जो सैनिक थे उनको, वो शहीद हुए हैं, उनके चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। वो हमेशा हमारे स्मृतियों में सर्वोच्च बलिदान के लिए जीवित रहेंगे। हम उनको भौतिक रूप से वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनका परिवार अकेला नहीं है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, मध्य प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है, और उन शहीद के परिवार के जो परिजन हैं, आश्रित हैं, उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि, आश्रित परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में नौकरी, और मकान या प्लाट जो भी परिवार से चर्चा करने के बाद तय करेंगे वो दिया जाएगा। उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे रीवा जिले के सपूत ने, दीपक जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। चीन के घुसपैठ के इरादे को नापाक करते हुए जूझ कर, और ऐसा नहीं है मारकर, चीन के जो सैनिक थे उनको, वो शहीद हुए हैं, उनके चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। वो हमेशा हमारे स्मृतियों में सर्वोच्च बलिदान के लिए जीवित रहेंगे। हम उनको भौतिक रूप से वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनका परिवार अकेला नहीं है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, मध्य प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है, और उन शहीद के परिवार के जो परिजन हैं, आश्रित हैं, उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि, आश्रित परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में नौकरी, और मकान या प्लाट जो भी परिवार से चर्चा करने के बाद तय करेंगे वो दिया जाएगा। उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ।